देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी की बहू मानती त्रिपाठी को एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुख पद का कराया शपथ ग्रहण। इस मौके पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, बीजेपी अध्यक्ष रामकुमार कुंवर व पूर्व मंत्री मालिक कमाल यूसुफ समेत सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये सिर्फ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं था, ये सपा के 5 सालों का कुशासन व जिले में जो भी विकास कार्य योजनाएं थी कुछ लोगों में ही सिमट कर रह गई थी। आज यहाँ नया इतिहास लिखा गया है और परिवर्तन हुआ है। अभी तक सपा में भेदभाव होता था, अब सबका विकास होगा। वहीं निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मानती त्रिपाठी का कहना है कि वह सबके साथ मिलकर विकास को नया आयाम देंगी। ये केवल डुमरियागंज के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के पिछले 5 सालों के जो सरकार का कुशासन था, जो इस जनपद में एक तरह से सारी विकास की योजनाएं कुछ लोगों के बीच में सिमट करके रह गई थी, आज यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, प्रधानों ने एक नया इतिहास लिखा है, एक नई कार्यशैली का यहाँ पे परिवर्तन का बोध हो रहा है। तो ये अपने आप में संकेत है, ये डुमरियागंज का आज का चुनाव का ये शपथ ग्रहण समारोह ये इस बात का को साबित करता है कि जो नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत इसी डुमरियागंज की धरती से होगा। सभी गांव का, सभी क्षेत्र पंचायत और प्रधानों के इलाके में होगा। अभी तक भेदभाव होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, केवल जो यहाँ प्रमुख थे, जिला परिषद थे, वो अपने गाँव को छांट छांट करके विकास करते थे, उसका आज पटाक्षेप हुआ, उसका अंत हुआ। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।